वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक स्टेकेशन के लिए हमारे घर से थोड़े से दूर। तो अभी फ़िलहाल पैकिंग चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा कपड़े टंगे हुए हैं, ये वो सब कुछ हो रहा है। सुबह के बजे हैं 7:45, हमें निकलना था 8 o'clock, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल, बट लेट्स सी। लास्ट मिनट पैकिंग, हमने अभी तक ऑलिव का सामान पैक नहीं किया है, क्योंकि अगर हमने ऑलिव की पैकिंग चालू कर दी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, सो वी कांट डू दैट। उसे समझ, अरे ओके, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो सुबह से मेरे साथ उठ तो गई थी, बट शी इज़ वेरी वेरी लाइक एंशियस कि क्या हो रहा है, ये क्यों पैकिंग कर रही है, किधर जा रही है। सो जब उसका सामान हम पैक करना चालू करेंगे, सो देन शी विल गेट टू एक्साइटेड। आपको दिखाते हैं किधर जा रहे हैं। ऑलिव, जा रहे हैं हम किधर? जा रहे हैं? Where are we going? Are you going? You're not going anywhere. नहीं जा रही ऑलिव, तो किधर भी नहीं जा रही। You're not going, छोने। ऑलिव की पूरा टाइम नज़र मेरे पे थी कि मैं किधर हूँ, मैं अकेली तो किधर नहीं जा रही हूँ, तो इसीलिए वो वॉक ही नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। शी वाज जस्ट स्टेयरिंग एट मी। हम फिर चेक कर रहे हैं कि हमारे टायर्स ठीक हैं, जस्ट द लास्ट चेकिंग। ऑलिव प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऑलिव अभी तक काम डाउन नहीं हुई है, नहीं तो वो गाड़ी चलते चलते ही सो जाती है। तो हमने पूरी कोशिश की थी कि हम टाइम पे निकले घर से, बट लेट हो गए थोड़े। सो हम निकले हैं एट 8:45, नॉट बैड। 8 o'clock सोचा था, 45 मिनट्स लेट हो गए हैं, बट इट्स ओके, हमने कोई फ्लाइट ट्रेन बस कुछ नहीं कैच करनी है, खुद की कार में जा रहे हैं। सो होपफुली अब आगे ट्रैफिक ना मिले। इट्स अ सैटरडे टुडे, अभी तक तो स्मूथ है, चल रहा है, होपफुली ऐसे ही चलते रहे ट्रैफिक। ऑलिव तो अपने नाइट सूट में ही निकल गई है, हैं? चेंज ही कर लेती ऑलिव। ऑलिव किधर जा रही थी? घूमी करने जा रही थी। ऑलिव तो घूमी मूमी करने जा रही थी। फाइनली ऑलिव काम डाउन हुई है कि हाँ मैं इनके साथ ही हूँ, ये लोग जिधर जा रहे हैं मैं वहीं जा रही हूँ। है सिकंदर? It was true. अभी शोएगी, 3 hours शोएगी है। Yes. ऑलिव इतनी एक्साइटेड हो जाती है ना कि जब हम जैसे ही डैड के बिल्डिंग में आते हैं पार्किंग में, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि दिस इज डैड्स एरिया, वो वहीं देख रही है एंट्री पे कि कौन आ रहा है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना छोने? यहाँ पे बड़ा क्यूट सा डॉग भी है, अभी किधर सो रहा होगा बेचारा, तो उसको कुछ दे देते हैं ना सिकंदर। अरे डैडी भी आ गए ऑलिव को मिलने, डैडी भी आ गए। कौन है ऐसी ऑलिव? ऑलिव कूद जाएगी नीचे, ऑलिव कूद मत जाना, एक मिनट। ऑलिव, तो दीदी को हमने पिकअप कर लिया है एंड ऑफ वी गो। और 9:30 हो गए हैं, बाय द वे जस्ट लेटिंग यू गाइस नो, मैं ज्यादा लेट नहीं हुई हूँ आज, मैं सिर्फ लाइक बस अमन के लिए हमने आधा घंटा नीचे वेट किया, नहीं ओनली 5 मिनट्स। सच अ लायर, नीचे मतलब ऑलिव उतर के उसने अपना सब टाइम पास भी कर लिया, उसका मुंह भी साफ करना पड़ा हमें। ये
चलाकू मासी ने डैडी को भेज दिया पहले ही। हाँ, कि डैडी पहले, लेट डैडी एंटरटेन अस। एक्चुअली मैंने ऐसे किया, यू गाइस नो मी वेरी वेल, आई वाज लाइक ओके ठीक है पापा आप जाओ वहाँ पे, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके सो वी आर ऑन आवर वे। तेरे को दिख रहा है क्या शूट कर रही है तू? यार सीरियसली ये जो डंडा सा है ना, ये मेरे को कुछ समझ तो आता नहीं है, बट एनी वेज देख लेते हैं। सो दिस बेबी जो सबसे बड़ा बेबी है यहाँ पे, लुक एट व्हाट ही इज ईटिंग, दिखा सिकंदर, चॉकलेट। हाँ, और ये इसका ब्रेकफास्ट है, मतलब इतना ज़्यादा। दीदी ने कल बोला कि मैं ये ले आती हूँ वो ले आती हूँ, मतलब मिल्क केक ले आती हूँ और मैं थेपले ले आती हूँ और पता नहीं क्या कुछ ले आती हूँ। ग्रीन थिंग जो राउंड राउंड है व्हिच यू लाइक, पात्रा, मुझे पात्रा बहुत पसंद है, इट्स अ गुजराती स्नैक। दुनिया भर के मैंने ऑप्शन दिए थे बाय द वे, तो पर मैंने उसको बोला नहीं नहीं हम तो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए। फिर दीदी ने बोला अच्छा तू मत खाना, सिकंदर खा लेगा। मैंने बोला नहीं वो भी नहीं करता, और अभी सिकंदर कहता है मुझे ना थोड़ी भूख लग रही है। सो दीदी लकीली डेरी मिल्क सिल्क लेकर आई है जो सिकंदर की फेवरेट है, सो अभी वो खा रहा है हमारा बच्चा। चॉकलेट कौन खाता है यार, लाइक सीरियसली ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ही खा रहे होते हैं फॉर ब्रेकफास्ट। ओके फॉर ब्रेकफास्ट आई मीन लाइक, नहीं कोई नहीं अभी इट्स अ वेकेशन, इट्स नॉट अ ब्रेकफास्ट। ऐसी थोड़ी भूख लग रही थी, खा ली मैंने थोड़ी सी, एनर्जी के लिए। से व्हाटएवर यू वांट टू। देखो मुझे रास्ता भी तो बताना है उसको, हैव टू बी एक्टिव, मतलब मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। हां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हो गए बहाने तुम्हारे। देखो पता है ना ये कैसे हम मिल रहा है यार, बड़ा सही चीज है। आई एम लाइक वो ऐसे शूट करी जा रही है, वो आई कैन सी वो गिम्बल घूम ही जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। हां नहीं वो घुमा रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मतलब क्या हो रहा है? I really want to see this clip now. When I edit, I want to see दीदी ने क्या shoot किया है. I'm very interested. देख तुम लोग का back shot ये है, क्या कहते हैं उसे, side profile है. अब वैसे मैं इस डंडे में मेरे को hardly कुछ नजर आ रहा होता है. देखो अभी हम घर जाके computer पे review करेंगे कि जो हमारा steady cam operator है अमन प्रदीप। दुनिया का सबसे भारी स्टडी कैम स्टेबलाइज्ड कैमरा पकड़ा है, देखते हैं अभी कैसे करते हैं। अच्छा लिसन ना सिमी, जब ये हो रहा होगा ना एडिट, उसका भी शूट करना है, क्योंकि मुझे देखना है कि तुम लोग के कमेंट्स क्या होंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि सिकंदर ने बड़े नास्टी कमेंट्स मारने मेरे लिए। ओके सो आई वांट टू नो, ओके फॉर दैट पर्पस। आई आई की कमेंट मारने में, हां तो होर की होर कौन कमेंट मारता है, द बेबी ऑफ द ग्रुप। टाइम ना जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है कम ही नहीं हो रहा है। 2 घंटा 20 मिनट पहले दिखा रहा था और अब 2 घंटा 22 मिनट दिखा रहा है, और ये हाईवे का ट्रैफिक है आज, और हम 8:45 सुबह निकले थे और तभी जीपीएस ने हमें बोला था 3 hours 5 minutes का रास्ता है, और अब हुए हैं 10:30 और अभी भी वो बता रहा है 2 hours 20 minutes अब भी बताया उसने, हमने जब रिकॉर्ड करने से पहले दिखा रहा था 2 hours 42 minutes, उसको पता चल गया हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो फटाफट 20 minutes उसने माइनस कर दिए। वो लिखा हुआ रहा है ट्रैफिक इज गेटिंग वर्स, Estimated arrival 1 PM. बढ़ा दिया टाइम, बढ़ा दिया भाई, 2 hours 30 कर दिया इसने suddenly. देख लो, Google Maps पे बिल्कुल आप भरोसा नहीं कर सकते। मैं ये बात कब से कह रही हूँ। हम बहुत ट्रैफिक में फंसे हुए हैं दोस्तों, 11 मतलब ऑलमोस्ट 12 o'clock होने वाले हैं, और अभी भी Google Maps हमें बता रहा है 1.5 hours more. तो जो हम 1 बजे सोच रहे थे अब हम 1:30 बजे पहुंचेंगे। दो बजे पहुंचेंगे? हाँ तो बस अभी D3 लेते हुए जा रहे हैं हम, वैसे अभी D3 का टाइम तो खत्म हो गया है ना, अब सिर्फ धूप लेते हुए जा रहे हैं दोस्त, बस
जा रहे हैं, इतना ट्रैफिक है, आई थिंक ऐसे लग रहा है कि पूरा बॉम्बे ने सोचा है कि भाई साहब चलो आज आज तो हम वेकेशन पे जाएंगे, ओमिक्रॉन आ गया है, चलो निकलो। बाय द वे हमारे दिसंबर के बहुत बड़े बड़े ट्रैवल प्लान्स थे, ये सब ओमिक्रॉन ये सब के वजह से, नए नए जो वेरिएंट आ रहे हैं उसके वजह से हमारे सारे ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो गए। तो ये हमने लास्ट मिनट एक स्टेकेशन टाइप का प्लान किया है, ऑल थैंक्स टू ओमिक्रॉन। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि अगर आपके कोई ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू वेरिएंट, प्लीज़ प्लीज़ आई वुड लाइक टू नो, सीरियसली आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि हमारे हुए हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप यू नो लाइक हम फाइनली किधर सोच रहे थे कि हम जाएंगे, लाइक आफ्टर द पैंडमिक हमने सोचा चलो किधर घूमने फिरने जाएंगे, और ओमिक्रॉन ने बजा दी बैंड, है ना। तो आप बताना ज़रूर कि आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि यार मेरे को भी तो ऐसा फीलिंग आए कि यार मेरे साथ कोई और भी है जिसके साथ ये हुआ है, मैं अकेली नहीं हूँ। दीदी ने ना जिम की मेंबरशिप ली है, दीदी ये तो बताओ। दीदी ने ना बड़े एक्साइटमेंट में कि हाँ भाई अभी तो सब ठीक हो रहा है, मैं तो जिम जाती हूँ, फाइनली उसने जिम की मेंबरशिप ली, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं। एक्चुअली मैंने सोचा पार्टी शार्टी कर लेते हैं, बर्थडे ख़त्म होगा, 31st ख़त्म होगी, एंड घूम फिरने के बाद में आई गो टू द जिम, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सब लोग ही ऐसे करते हैं ना, सब लोग ही सोच रहे होते हैं ऐसे कि चलो जनवरी में जिम जाएंगे, और अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं जाती हूँ बिकॉज ओमिक्रॉन आ रहा है, एंड ओमिक्रॉन आ रहा है, आ गया है, उसका भी एक नया वेरियंट आ गया और केसेस बढ़ गए हैं, थोड़ा सा और आगे कर देती हूँ अपनी मेंबरशिप, आगे करनी पड़ेगी। ऑलिव अपनी ब्यूटी स्लीप पूरी कर रही है, क्योंकि सुबह उठ गई थी जल्दी और बहुत एंग्शियस थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये अब वो अपनी फेवरेट चीज़ कर रही है, विंडो के बाहर देखना, दैट्स अ मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू, सिटिंग इन द कार, रिक्शा, रिक्शा उसको बहुत पसंद है बाय द वे, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बाहर दिखता है हर एक चीज़। यहाँ बेचारी को बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा ये गाना गैस कीजिए जो हम सुन रहे हैं, मैं तो बहुत फनीली बिहेव कर रही हूँ और सिकंदर ने ये रिकॉर्ड कर लिया है, और पीछे देखिए, पीछे दीदी यॉन कर रही है क्योंकि उससे मेरे गाने बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे हैं, और बाय द वे हमने गाने चेंज कर लिए, ड्राइवर के पसंद के गाने नहीं सुन रहे थे हम, पैसेंजर्स के पसंद के गाने सुन रहे थे। तो वैसे हम जा रहे हैं विंटर्स में, जो भी विंटर होती है महाराष्ट्र की कमी होती है, बट अगर आपको महाराष्ट्र देखना है कि हाउ ब्यूटीफुल महाराष्ट्र इज, तो द बेस्ट टाइम इज रेनी सीजन, मतलब पूरा महाराष्ट्र इतना सुंदर होता है रेनी सीजन में, ग्रीन होता है, इट्स जस्ट वेरी 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 ब्यूटीफुल कोई भी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। बट जैसे ये टाइम पे क्या होता है कि दिन में गर्मी होती है, पर रात को या जैसे इवनिंग थोड़ी चालू होती है, देन इट गेट्स अ लिटिल प्लेजेंट के 16 डिग्री 17 डिग्री जैसा हो जाता है इवनिंग और सुबह तक, अराउंड 10 o'clock तक, थोड़ा 10 इन द मॉर्निंग थोड़ा प्लेजेंट होता है। वैसे काफ़ी धूप होती है दोपहर को, लाइक अभी भी काफ़ी धूप है और लग रही है, जैसे चुभ रही है। और हाँ, हमने मास्क इसलिए पहना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चेकिंग हो रही है, बिकॉज 31st का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, सो काफ़ी चेकिंग हो रही है, सो लेट्स नॉट गिव देम एनी रीजन टू स्टॉप अस। तो हम फाइनली आफ्टर 5 hours यहाँ पहुँच गए, बट इट्स वर्थ 5 hours, बहुत 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 अच्छी जगह है, आपको वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। अब हम बहुत थक गए हैं, लंच खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर चिल करेंगे, यार चिल करने आए हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, बाय।